नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीडीसी एग्जाम 2023 के अपडेट के बारे में। जो आपका न्यू अपडेट है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि जो आपका एग्जाम था 15-12 और आपकी 19-12 और वह 23-12 को जो एग्जाम था उसको पोस्टपोनमेंट कर दिया गया था, तो उसके अपडेट के बारे में यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि ये पोस्टपोनमेंट हुआ था लेकिन नेक्स्ट अपडेट अभी तक नहीं आएगी, उसके बारे में पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और हम देखेंगे आपके साइंस और जो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज है उसके बारे में, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज बनाई गई है। आपके 15-12-2023 को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के अनुरूप ये देखते हुए ये आपकी टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जो कि हम पूरी इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी जो जीडीसी वैकेंसी थी उस वैकेंसी में आपको 15-12 को एग्जाम हो गया था, लेकिन उसमें क्या है जो आपका कई सिस्टम है वो एक हो गए और सिस्टम में बहुत प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई, जिसके कारण रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि एग्जाम को पोस्टपोनमेंट कर दिया जाए। और एग्जाम पोस्टपोनमेंट होने के बाद में अभी तक है वो कोई भी अपडेट नहीं दी गई, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जनवरी फर्स्ट वीक में आपकी अपडेट डाल दी जाएगी। आपके गुप्त सूत्रों से अनुमान लगाया गया है कि आपकी जनवरी फर्स्ट में आपकी डाल दी जाएगी और जनवरी एंड तक है वो आपका जीडीसी का एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो आप ज्यादा टाइम इसको ज्यादा ढील न देके तैयारी है वो सुचारू रूप से तैयारी चालू रखिए, जिससे कि आपको कई प्रकार की है वो एग्जाम देने पर किसी भी प्रकार की मुसीबत ना देखनी पड़े। तो साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जनवरी फर्स्ट में इसका अपडेट है वो आ जाएगा और आपके जनवरी लास्ट तक है वो आपके एग्जाम है वो वापस स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जबकि कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये आपको जो टेंडर है वो दूसरी कंपनी को दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका टेंडर है वो एपटेक के पास ही रहेगा और एपटेक के द्वारा ही सुचारू रूप से इस एग्जाम को करवाया जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी संबंध में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो आप देख सकते हो यहाँ से यूनिवर्सल सीरियल बस से 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसको बहुत मेहनत से बनाई गई है टेस्ट सीरीज। तो आप देख लीजिए बहुत जो आपके 15-12-2023 को जो एग्जाम हुआ था उसके अनुरूप, मतलब उसको देखते हुए ये टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई है। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी का डी ब्लॉक का तत्व है? तो डी ब्लॉक का तत्व यहाँ पे क्या है, Fe, 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस है कि सूजन है जो हल्की गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है? तो आपकी हेपेटाइटिस है किसकी बीमारी का सूजन बन सकती है? आपके यकृत की एक सूजन है ये, जो आपकी गंभीर बीमारी की क्या बन सकता है, कारण बन सकता है। नीचे सुजीवित खाद्य पदार्थों में विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो कौन सा आपके विटामिन सी का, साइट्रस फल। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी जितने भी अभ्यर्थी जीडीसी के उन तक ये वीडियो पहुंच सके, और वो भी क्या है जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी कर सके। मेमोरी के संबंध में यूएसबी का पूर्ण रूप आपके क्वेश्चन आ चुका है, यूनिवर्सल सीरियल बस से। अगला क्वेश्चन, ये भी आपके रिपीट हो गया है, ये भी आपके रिपीट है। अगला हम देखिए नीचे सुजीवित खाद्य पदार्थों में, ये भी आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को, 1 नंबर ऑप्शन। अगला आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड? या आपका हिंदी में कहता है कि एमएस वर्ड में जो आपका नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, इंटर का। यह आपको सभी को पता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगला आपके, विच द फॉलोइंग हैज ए शॉर्टेस्ट वेव लेंथ, मतलब यहाँ पे आपका क्या, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो आपकी वेव लेंथ होती है वो सबसे कम किसकी होती है, तो गामा रे की, किसकी, गामा किरण की, 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उपयोगों में केक, मफिन और कुकी जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है? तो किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट, 4 नंबर ऑप्शन। ये आप क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, सीधे क्वेश्चन है वो इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्म उत्पन्न करते हैं जो कि सेलियंत होकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, युग्मज, आपका 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो किस मिट्टी का, कले, कौन सी मिट्टी, कले मिट्टी का होता है वो कणों का आकार सबसे छोटा होता है। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? ये भी बहुत आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर पानी मुक्त करते हैं और क्रिस्टल का रंग हल्के हरे से सफेद में बदल जाता है? तो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, कौन सी होती है, वियोजन अभिक्रिया, 3 नंबर ऑप्शन। अगला आपके क्वेश्चन है, एस्टेनोस्फीयर का हिस्सा है, मतलब एस्टेनोस्फीयर किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है, अर्थ मेटल्स, पृथ्वी का आवरण, ये एक प्रकार का क्या है, पृथ्वी का आवरण, अर्थ मेंटल, 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो कौन सा है, जिंको बिलाबो, बिलाबा, 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है और भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो कौन सा होता है, ग्रेलिन, 1 नंबर ऑप्शन।
अगला 36 डिग्री तापमान लगभग के बराबर होता है। तो 36 डिग्री तापमान होता है हमारे शरीर का, वो फारेनहाइट में कितने के बराबर होता है? 98.6 डिग्री। इसका निकालने का मैं सूत्र भी आपको बता देता हूँ, C/5 बराबर F-32/9। आप इससे सोल्यूशन भी कर सकते हो, यही मान आएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। नमक का अणुभार लगभग कितना होता है? तो नमक का अणुभार लगभग कितना होता है? 58 ग्राम प्रति मोल। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Y, 3 नंबर ऑप्शन। सुनामी का विनाशकारी रूप है जिसे भूकंपी समुद्र लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, यह किसके कारण उत्पन्न होती है? आपके 7.5 तीव्रता जो भूकंप होता है उससे बड़े अधिक होता है, तब क्या होता है? सामान्य भूकंप के कारण उत्पन्न होती है भूकंप की जो समुद्री लहरें है वो, तो क्या होती है? विनाशकारी होती है। भूकंप किसमें मापा जाता है? आपके सेस्मोग्राफ के द्वारा, सेस्मोग्राफ में मापा जाता है, रिएक्टर स्केल के द्वारा। किसके स्केल के द्वारा? रिएक्टर स्केल के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है। रिएक्टर स्केल के द्वारा, रिएक्टर भी जिसको बोल सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? इनमें से SI मात्रक कौन सा नहीं है? तो आपके ओम, एम्पियर, न्यूटन, ये क्या SI है जबकि कैलोरी है, वो आपके SI मात्रक नहीं होता। SI मात्रक होता है उष्मा का, वो होता है जूल। ये आपके टेस्ट सीरीज थी 25 क्वेश्चनों की, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का, एम्पियर विद्युत धारा का, और न्यूटन बल का, और आपकी उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। और आपको मैं बता दूं कि जो आपकी कैलोरी होती है वो आपके एक जूल बराबर कितना होता है? कितना 4.2 कैलोरी। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक इसमें एक किलोवाट घंटा, ये भी मान बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1 kWh बराबर कितना जूल होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। सीधा एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये आपके क्वेश्चन था आज के लिए, इतना ही काफी। जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप में सभी YouTube फैमिली को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपके सब्सक्राइब है वो 4000 तक पहुंच चुके हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें। तो साथियों को, सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से।